दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज का सीन भाई कुछ ऐसा है कि कल रात को मैं अपनी सिस्टर के आया हुआ था इधर गाजियाबाद में, तो बराबर में ही हिंडन एयरबेस है। आज है तारीख 8 अक्टूबर, तो भाई 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे। दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट किया भैया अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा लेट चले जाना है, ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ एयरफोर्स डे की सामने से पूरी परेड निकलती है और इनकी बालकनी में से बहुत बढ़िया दिखती है, तो इन्होंने कहा कि भैया अभी रुको परेड देख के जाना। वेट कर रहे हैं बस परेड का, परेड देख के तब निकलेंगे, आपको भी दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमें कहाँ से देखनी है ना इनकी बालकनी से, बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है। खुल जा भाई, ये मच्छर वाली जाली। देखो भाई सीन है कुछ ऐसा, देखो सीन कुछ ऐसा है कि ये है इनका 8th फ्लोर का फ्लैट, और भाई सामने का सीन है कुछ ऐसा, बिल्कुल हरा भरा मैदान। इधर क्रिकेट ग्राउंड बना रखे हैं, यहाँ पे दिन रात मैच चलते रहते हैं। और भाई मेरी लेफ्ट साइड में ना इस साइड जाके आता है हिंडन एयरबेस, यहाँ से कितना 10 किलोमीटर के आसपास होगा है ना। और ये सामने ये ही है उनका ग्राउंड, यहाँ ऊपर से जाते हैं सारी जो भी इनके फ्लाइट्स हेलीकॉप्टर हैं वो सब इधर से जाएंगे। आज थोड़ा सा स्मॉग ही हो रहा है भाई एटमॉस्फेयर, तो यार वो थोड़ा सा पता नहीं विजिबिलिटी का क्या सीन रहेगा ना, तो वो देखते हैं, बट कोशिश करेंगे भाई अच्छे से शूट करने की, आपको भी दिखा सकें क्या है सीन। अच्छा यहाँ पे मैच चलता है रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे भी चलते हैं भाई मैच। अच्छा कब आएगा? आवाज आ रही है तो दिख क्यों नहीं रहा? देखो हेलीकॉप्टर की आ रही है। चुनूक तो बहुत दूर है, अब आएंगे क्या इधर भी? आएंगे। भाई वो सामने से आ रहे हैं चुनूक, कुछ अपाचे भी है। अपाचे और चुनूक टैंक वगैरह लेके। बेटा इधर नहीं आएंगे क्या? इधर सामने से नहीं आते? आएंगे, आते हैं रोज। गुड डैन, वो तो उधर ही चक्कर काटे जा रहे हैं। अभी उन्हें वो नहीं मिल रही होगी। अच्छा जाएंगे ना सामने से? हाँ। इस साइड से? उस साइड से? इस साइड से, ये तो इस साइड से जाएंगे। हाँ बाकी कुछ उधर साइड से जाते हैं। भाई शिनूक है, मैंने कभी शिनूक नहीं देखा, तो शिनूक है मेन, तो मैं तो शिनूक के चक्कर में रुका हूँ आज। इस शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे, पहले वीडियो में आप देख चुके हो। सचिन भी पहले से रुके हुए थे, तो ये भी रुक गए, कह रहे कि मैं भी आज भाई परेड देख के जाऊंगा। हेलीकॉप्टर कब आएगा? है बेटा आ जाएगा कब? भाई ये तो सब टैंक वैंक लेके जा रहे हैं साथ में। इसमें दिखाएंगे। हाँ इसमें दिखाएंगे। अच्छा पहले यहाँ से जाएंगे, अब उसके बाद टीवी में दिखाएंगे। तो इतना बंद हो गया, क्या करूँ? सब इधर से जाएंगे। हाँ। तो वो आएगा शिनूक, आएगा दोबारा? हाँ बीच में आएगा। भाई सबसे बढ़िया शिनूक है अपना, दो पंखे वाला हेलीकॉप्टर आते हैं, पिंक वाले आते हैं। यहाँ देखो यहाँ मैच का भी आनंद लेते रहो आराम से। उस साइड से धूप पड़ रही है, थोड़ा सा विजिबिलिटी में है भाई इशू। हाँ देखा था बेटा, दिखा था रही है। ये थे ना टीवी पे दिखा रहे हैं, तो ये पहले हमारे यहाँ से निकल के गए, उसके बाद में अब टीवी पे दिखा रहे हैं। C-17 ड्रिल मास्टर और वो है भाई ये वाला ना दिखा, मैं इसकी तो आवाज ही आवाज आ रही है। मौसम ये मिश्रा जी ने वो तैयार कर लिया असला बारूद अपना।
मना रहे हैं। यार इसकी तो आवाज ही आवाज आई भाई, ये नहीं दिखा कहीं पे भी। गंदा अच्छा कुछ नहीं होता, ये सब आंखों का धोखा होता है। किधर से आएंगे लाल वाले? अभी लाल वाले हमारे ऊपर से जस्ट जाएंगे और वहाँ जाएंगे, हमारे ऊपर से वहाँ जाएंगे, उधर जाते हैं। अच्छा तो हम अपना कैमरा रेडी रखते हैं भाई। आ गए क्या? आवाज तो आ रही है। किधर से? इतनी तेज आवाज करता है, डर लगता है। रेडी, कैमरा कहाँ है? भाई अभी वर्ल्ड वॉर वाला आएगा शायद, टीवी पे तो आ गया, अब इसका चांस है इधर आने का। क्या चल रहा है? ये वाले आएंगे भाई। गुड़न कौन से आएंगे हेलीकॉप्टर? अरे आवाज तो बहुत देर से आ रही है, अभी तक कुछ आया नहीं, ऊपर ही ऊपर घूम रहा है। आ जा भाई। यार एक फॉर्मेशन तो पता है बड़ी बढ़िया सी निकल गई, ग्लोब मास्टर थे और उसके नीचे थे बहुत सारे छोटे फाइटर जेट टाइप के कुछ, या शायद ट्रेनिंग वाले थे वो, तो भाई वो वाली फॉर्मेशन निकल गई। इतने मैंने कैमरा ऑन किया, इतने भाई वो निकल गए ऊपर से। मामा आपने रेड वाला देखा? हाँ बेटा भी देखा था। देखा आपने? कहाँ से देखा? मैंने वहाँ पे थी, वहाँ पे बिल्कुल पास से जा रहा था। इन्हें तो यार कैप्चर करने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई इस साइड से निकल जाता है, कोई इस साइड से जा रहा है भाई, कोई उस साइड से आ रहा है, तो आवाज आती है, हम सोचते रह जाते हैं किधर से जाएगा किधर से जाएगा, अब फिर आवाज आ रही है। आ रहा है क्या? और आप किधर से आएगा? वहाँ से यहाँ इधर को आएगा। नन्नू को सारा है? हाँ नन्नू रोज की इनकी वो है दर्शक, यहीं आती और उसकी तो बहुत तेज थी भाई। खाना लग गया, खाना भी खाना है। हाँ जी मजा आ रहा है, मजा बहुत, परेड देख आवाज सुनने में। नन्नू बेटा नजर रखियो, नन्नू नजर रखियो, जैसे आए तो बता दियो, ये निकल भी तो जाते हैं इतनी जल्दी। भाई कुछ खा लें, पेट पूजा कर लें, उसके बाद बनाएंगे वीडियो। आज पूरी क्यों बनी है इनके यहाँ? पता नहीं क्यों बना दी, परांठे की बात हुई थी। अच्छा ऐसी बनी है मतलब। ये तो रोटर वाला है शायद। Thank you.
आके ग्लोब मास्टर आएगा लास्ट में आकर जल्दी एंड कराओ इसका, बहुत देर हो गई हमें तो देखते देखते। मीठा किस तरीके का ज्यादा चाय वाला? हां मीठा ज्यादा लेते हैं, मीठा हम नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल मतलब थोड़ा हल्का लेते हैं भाई, चाय पी लूं मैं तो। भाई फाइनल एक फाइनल प्लेन आ रहा है, इसके बाद में ये खत्म अपना परेड। आपको दिखाते हैं आप जूम करके। हाँ ये तो है पीच, हल्का सा पीच है, लास्ट है ये ग्लोब मास्टर। बेटा ये ग्लोब मास्टर नहीं है, कोई और है। हाँ ये वही है। तो भाई ये हुआ फाइनल समापन पे आ रहा है अपना ग्लोब मास्टर, तो बहुत बड़ा प्लेन है यार ये हमेशा ये रात में चक्कर लगा रहा है। तो भाई ग्लोब मास्टर ने आके एंड कर दी है अपनी, मतलब शुभ समापन हो गया एयरफोर्स डे परेड का। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं भाई, अपने घर निकलते हैं, सिस्टर के आए हुए थे ना, तो घर निकलते हैं, ऑफिस ज्वाइन करते हैं। बॉस को बोल दिया था भाई लेट हो जाऊंगा एयरफोर्स डे परेड की वजह से। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी वीडियो भाई अगर आपको देखने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर लिंक डाल दूँगा, वो देख लेना। लद्दाख वाले अगर आप नए हो, लद्दाख वाली सीरीज़ आप देख सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। और भाई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ओके भाई, गुड बाय।